देश का पेट ने काटन लाग रहा अपना भरन ला रहा एक दिन चल लगा एक दिन इन्हें भी रोना पड़ेगा पब्लिक बिना काम ना चल लगा इस मस्जिद ना होंगे ना वो दिन इनको देखते हैं क्या होता है। सरकार कति वाहियत का काम कर रही है, सरकार कोई ना कोई काम करती रहती, पता लगता है सरकार काम कर रही है, लेकिन इस सरकार से कोई भी बेनिफिट किसान मजदूर को भाई हर तंग है। चार साल में हरियाणा इसने घटाया पता नहीं चार बार फकवाने गुजारा, तीन बार फकवा दिया। हरियाणा जल चुके हैं इतनी बार, आज तक विश्व में रिकॉर्ड पहले नंबर पर ये आ गया हरियाणा, जिसके अंदर अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कितना लॉस में जा चुके हैं। खट्टर सरकार ने तो काम ही कति खराब कर दिया, पूरे देश की जनता ही बिखरी बिखरी आंट रही है, ना कहीं नौकरी है, इन बेरोजगारों को तो नौकरी है ही नहीं, इन स्टूडेंटों को नौकरी नहीं है। चार साल से ऊपर खट्टर सरकार बनी हुई है, ना जमींदार ना मजदूर, सिर्फ है तो व्यापारी सरकार है या किसान मजदूर की कोई भी सरकार नहीं है। आज तक हमने सरकार का कोई ये नहीं देख लिया, सरकार भी हमारे हरियाणा में है। वो एक व्यक्ति विशेष का फायदा पहुंचाने के लिए वो बस चलाई जा रही है। साहूकार पैसे वालों की दलाली करने में लगी हुई है सरकार, और रोडवेज का कर्मचारी जो हड़ताल में बैठा है उसका पूर्ण रूप से खून उखला के बाहर आ रहा है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की ये हड़ताल पिछले 16 अक्टूबर से जारी है, और ये हड़ताल का मुख्य केवल दो मकसद, दो मांगे हैं हमारी मुख्य। हरियाणा की सरकार जो प्राइवेट कंपनियों से किलोमीटर स्कीम पर यहाँ किराए पर बस लेके आ रही है, उन बसों को रद्द किया जाए उस निर्णय को, क्योंकि वो रोडवेज को काफ़ी लॉस में ले जाने वाला निर्णय है और प्रदेश की जनता उसके खिलाफ है। और दूसरी हमारी ये मांग है कि इस हड़ताल के दौरान हरियाणा की सरकार जिस तरह से कर्मचारियों पर एस्मा उत्पीड़न लाठीचार्ज निलंबन सस्पेंशन टर्मिनेशन की जो कार्रवाई कर रही है, हमारी हरियाणा सरकार से दूसरी ये मांग है कि तमाम उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ वापस ले, निजीकरण के फैसले को वापस करे। ये केवल कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, आज पूरे प्रदेश की जनता आपके सामने है, लाखों लाख लोग रोजाना, हजारों लोग तमाम बस स्टैंडों पर हमारे धरनों पर आ रहे हैं, जनता की सीधी इस हड़ताल में हिस्सेदारी है। और हम ये सरकार को आपके माध्यम से चेताना चाहते हैं कि ये रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल अब केवल कर्मचारियों की हड़ताल नहीं है, बल्कि ये पूरे प्रदेश की जनता की आन बान और शान की लड़ाई है, और इसके लिए ये हड़ताल कब तक चलेगी सरकार के पाले में गेंद है। सरकार कभी भी इन बसों के निजीकरण के फैसले को वापस करके विक्टिमाइजेशन की सभी कार्रवाइयाँ वापस लेके इस हड़ताल को रोक सकती है, वरना जब तक सरकार ये फैसला नहीं बदलेगी किसी भी सूरत में ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, चाहे कितना ही लंबा क्यों ना चलना पड़े। और अब हमारी तालमेल कमेटी का ये निर्णय है कि रोडवेज बचाओ मंच के आयोजन पर आगामी 4 नवंबर को हरियाणा में हम एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें जनता की लाखों लाख की हिस्सेदारी होकर सरकार से इस फैसले को वापस करने के लिए मजबूर करेंगे। ये आंदोलन सरकार जब भी फैसला वापस लेगी तभी रुक सकता है, वरना यह आंदोलन जारी रहेगा। हमारे को तो लिया नहीं जा रहा है, और अन्य जो हैं जो अनट्रेंड लड़के हैं उनको, सिफारिश वाले हैं जो जैसे भी हैं उनको गदागद जो सीटों पर बिठा दिया, इसी का ही ये हमारे जो बीच ये रिजल्ट आ रहा है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज आम पब्लिक, हम सुबह चले थे हिसार से, हमारी रास्ते में क्या चर्चा चल रही थी कि सरकारी बस में नहीं बैठेंगे हम, कितना डर है आम पब्लिक को। और भी जो पास में जो सीट पर बैठे थे कुछ व्यक्ति, वो भी ये कह रहे थे कि सरकारी बस में नहीं चढ़ेंगे, प्राइवेट बस में सफ़र करेंगे। नए कर्मचारी लगे हुए हैं रोडवेज चलाते हैं, जो वो बोलते हैं मतलब उनको अच्छी तरह से चलाने नहीं आती बसें,
बॉर्डर पर के जाना पड़ता है। और आपने भी देखा होगा जो हड़ताल के बाद भी कई बसों का एक्सीडेंट हो चुका है। रोडवेज की बस में सुरक्षा के तौर पे सफर करना मुनासिब नहीं समझते। वही रोडवेज हरियाणा को छूते हुए 60 स्टेटों में जाती थी। आलीशान हरियाणा की शक्ति के कई जाने वाली ये बसें आज खाली दौड़ रही हैं। 93 से यहाँ हमारी कुछ प्राइवेट बसें चल रही हैं, कुछ बसें जनता का सामना, उनके सामने जो अनुभव है बहुत कड़वा अनुभव है। वो रोजगार की दृष्टि से बिल्कुल फेल साबित हुई हैं, कोई स्थायी रोजगार नहीं है और वो जनता को यात्रा सुविधा देने के उद्देश्य में भी बिल्कुल फ्लॉप सिद्ध हुई है। रोडवेज से जो हमें सुविधा मिली है प्राइवेट से नहीं मिल पाती। रोडवेज हर समय पे चलती है, समय पे सवारी उठाती है, समय पे ड्यूटी पे पहुंचाती है। प्राइवेट बस कभी भी ड्यूटी पे नहीं पहुंचा सकती, हर जगह रोकती, वो अपने स्वार्थ में चलाते हैं। बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह टाइम से बस नहीं मिलती तो टाइम से जा नहीं पाते, जाना होता है और शाम को भी बहुत देर हो जाती है अगर वापस आते समय। 17 दिन से आज हड़ताल हमारी चल रही है। प्रदेश की जनता में तरह तरह मची हुई है। लाखों जनता जो यात्री रोजाना सफर करते थे वो भारी परेशानी में है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार केवल 35-36 जो साहूकार लोग परमिट देने पर के लिए टेंडर आमंत्रित कर रहे हैं उनकी दलाली करके उनके समर्पण में क्या नाम झुकी हुई है। सरकार जनता के बारे में कोई चिंतित नहीं है सरकार। जो भी मांगे हैं वो सरकार तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दी जाएंगी। जो भी अंतिम फैसला है वो सरकार को ही लेना है। हम तो मांगे जरूर सरकार तक पहुंचा दें जी। अभी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। रोजाना रोड एक्सीडेंट हो रही रोड पे, जिसमें उसको लेकर क्या कहना सर? कल भी दो कर्मचारियों की मौत हुई है सर। बड़ा हास्यास्पद है सरकार का ये कदम। बजट नहीं है, वैसे तो रोडवेज में 1000 करोड़ रुपए वार्षिक लाभ है हमारा। 662 करोड़ रुपए हम जनता को रियायती और कंसेशनल सुविधाओं यात्रा उपलब्ध करवा रहे हैं, वो सरकार को देने बनते हैं विभाग में। आफ्टर दैट भी हमने ये निश्चित किया है, हरियाणा के 20,000 रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार को ये लिखित में प्रस्ताव भेज दिया कि अगर सरकार कोई बजट की संसाधनों की कमी महसूस करती है तो रोडवेज के तमाम कर्मचारी अपना 1 महीने का पूरा वेतन और 3 साल का हमारा बोनस हम सरकार को दान करने के लिए तैयार हैं। हमने लिखित में दे दिया है सरकार को, हम दान करेंगे। सरकार प्राइवेट बसें रोके और सरकारी बस खरीदे। यही नहीं, हरियाणा के अध्यापक, सरकारी अध्यापक हमारे जितने स्कूलों में हैं, बधाई देते हैं हम अध्यापक साथियों को। अध्यापकों की भी तमाम यूनियनों ने इकट्ठे होकर फैसला करके सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि हरियाणा के सरकारी अध्यापक 100 बसों के पैसे इकट्ठे करके सरकार को देंगे, लेकिन सरकार निजीकरण के कदम वापस ले और सरकारी बसें खरीदे। इन एक बात तो कह दी, पैसे नहीं है, स्टैचू बनवा दिया, उसका इतना रुपया ला दिया। अगर किसी गरीब गुरबंद काम में आवे स्टैचू के काम में आओगे, छोटा है भी काम चल जाए, उनका मुँह ही देखना होगा। अगला आड़ा पांच बांध गला मैं चल लूंगा, ऊपर ऊपरी तो मजदूरी तो भी ऊंचा का चल लूंगा। इतना पैसा लगाया इन्होंने, महीसा काम करना जो अगर सबका काम है वह। जनता की तरफ से भी ये काफ़ी सहयोग सरकार को हम तैयार हैं करने के लिए, बशर्ते कि सरकार साहूकारों की दलाली करना बंद करे और जनता की आवाज़ सुन के रोडवेज में सरकारी बस और पक्के रोजगार का प्रबंध करे। इसमें कोई आर्थिक संसाधनों का केवल बहाना है, जनता इसके लिए खुले रूप से हम ऑफर करते हैं। कोई भी है भाई, लग रहे हैं हमारे गांव के, लग रहे हैं सभी गांवों के, लग रहे हैं उनको तो क्यों रहे हैं, हम उनके साथ में। प्राइवेट बस नहीं चलने देंगे, पूरा साथ दवाएं, 100 की बजाय भी 101 दवाएं साथ, पब्लिक साथ देने के लिए तैयार है। पंचायतें रोड जाम करेंगी और इनका पूरा समर्थन है। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक सभी पंचायतों का इनको पूरा पूरा समर्थन है। अगर प्राइवेट रोड पर आएगी सरकार न्यू का ये चल लेंगी तो रोड पर जिंदे है फूकिएंगे, इनका रावण है फूकिएंगे, चल लेने को। जनता ठेके के आधार पे इन कर्मचारियों का शोषण कर रही है।
बेरोजगारी को एक प्रकार से झंडे के ऊपर लहरा रही है और रोडवेज कर्मचारी आम जनता किसी भी प्रकार से इस उत्पीड़न को सहन नहीं करेगी, आने वाले समय में सरकार को जरूर अवगत करा देगी। हम ये इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये रोडवेज कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश की 3 करोड़ जनता की यात्रा सुविधा को बचाने की लड़ाई है। ये हरियाणा प्रदेश के नौजवान, जो लाखों नौजवान यहाँ नौकरी मिल सकती है, उस रोजगार को, स्थायी रोजगार को बचाने की लड़ाई है, रोडवेज कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है।